मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, अब तक आपने पिंपल्स के बारे में बहुत सुना होगा, पर आज हम आपको हार्मोनल पिंपल के बारे में बताएंगे। जी हाँ, हार्मोनल पिंपल वो होते हैं जो हार्मोन के असंतुलन की वजह से निकलते हैं, जिसे सिस्टिक पिंपल भी कहा जाता है। ये मर्द और औरत दोनों को हो सकते हैं, लेकिन औरतों को इन कील मुहासों का सामना ज़्यादातर पीरियड्स के दिनों में करना पड़ता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान, स्किन इन्फेक्शन के दौरान, पेट में गड़बड़ी, ब्लड और शरीर में अन्य किसी इन्फेक्शन के चलते भी हार्मोनल एक्ने या हार्मोनल पिंपल निकलने शुरू हो जाते हैं। ये पिंपल्स आम मुहासों की तुलना में बड़े, ख़राब दिखने वाले और दर्द देने वाले होते हैं। इससे स्किन को नुकसान पहुंचता है और ये चेहरे पर भद्दे निशान भी छोड़ देते हैं। ज़्यादातर ये मुहासे टीनेज से लेकर जवानी तक की उम्र में ही निकलते हैं, जबकि कई बार इन्फेक्शन के चलते ये 40 पार करने के बावजूद भी निकलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है। आयुर्वेद की माने तो हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। वैसे तो हार्मोनल एक्ने हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होते हैं, लेकिन भोजन से जुड़ी खराब आदतों की वजह से भी ये बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए इस दौरान आपका खान पान सही होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि हार्मोनल पिंपल को रोकने के लिए हमें किस तरह का फूड खाना चाहिए। हार्मोनल पिंपल को रोकने के लिए आप फल, नट्स और हरी सब्जियां ले सकते हैं। वसा में नारियल तेल और घी का इस्तेमाल करें। मसालों में जीरा, लेमन ग्रास, केसर, इलायची, सौंफ और पुदीना लें। लिक्विड में ड्राई फ्रूट का दूध या बादाम का दूध लें। नारियल का पानी पिएं। सौंफ और लिकोरिस की चाय आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि जब हार्मोनल पिंपल्स आ रहे हों तो ऐसे में क्या नहीं खाना चाहिए। इस दौरान खट्टे फल जैसे अंगूर, इमली, आड़ू, ये सब ना लें। सब्जियों में मिर्च, बैंगन, जैतून या ऑलिव, कच्चा प्याज, मूली, टमाटर, गाजर ना खाएं। मसालों में आप मिर्च, सरसों, सौंठ या सूखी अदरक, लौंग और लहसुन का इस्तेमाल भी बेहद कम करें। कॉफ़ी, चाय, शराब का सेवन तो भूल कर भी आपको ऐसे में नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे हार्मोनल एक्ने दूर करने के लिए कुछ होममेड ब्यूटी ट्रीटमेंट की। ग्रीन टी, लेमन जूस, एवोकाडो पल्प, हल्दी पेस्ट, मुल्तानी मिट्टी, जोजोबा तेल, शहद और दालचीनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप मुहासों को ठीक करने में आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ख़ास बातें भी हैं जिनका ख्याल करके आप मुहासों को खुद से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले तो दिन में 2 बार फेस वॉश से अपना चेहरा ज़रूर धोएं और हर्बल फेस वॉश का ही इस्तेमाल करें। साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बात करेंगे दूसरी ज़रूरी बात की, तो ग्रीन टी का सेवन आप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहद कारगर है जिनकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली है। आप टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर भी आप चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। दालचीनी और शहद का गाढ़ा पेस्ट बनाकर स्किन पर अप्लाई करें और 15 से 20 मिनट बाद इसे साफ़ करें। ऐसा दिन में 1 बार ज़रूर करें। बात करेंगे चौथी ज़रूरी बात की। आप चाहें तो हल्दी में थोड़ा सा पानी मिक्स करके गाढ़ा पेस्ट बना सकते हैं और मुहासों से प्रभावित स्किन पर लगा सकते हैं। सूखने के बाद इसे धो लें। इससे भी मुहासों की समस्या दूर होती है। बात करेंगे पांचवी ज़रूरी टिप्स की। मुल्तानी मिट्टी और जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल फेस मास्क की तरह करें। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम को दूर करती है, जबकि जोजोबा ऑयल में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी में कुछ बूंदें जोजोबा ऑयल की डालें और इसके बाद अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना के इसे फेस मास्क की तरह अप्लाई करें। फिर देखें, कुछ ही हफ्तों में आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अभी हमने आपको बताया कि हार्मोनल पिंपल क्या होते हैं और इसे दूर करने के लिए आप किस तरह की डाइट अपना सकते हैं और किस तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बताई गई ये ख़ास जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।